भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगतियों और कुरूतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, यह महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही यही देन है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ जीवित रहते हुए आगे कार्य करते हुए 140 करोड़ का भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ अगर सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में लागू कर रही है तो इसके पीछे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प देश के संविधान में किया गया था उसी भाव को आगे बढ़ाने का यह एक नया अभियान है। ये वही संकल्प है जो व्यवहारिक धरातल पर आज नीचे उतरती भी दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए यावत जीवन लड़ते रहे उन पर कार्य करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने सम्मान देने का कार्य किया तो पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए थे, यह मोदी सरकार में ही ये कार्य पूरे हो पाए। ऐसे ही अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आज आप देखते होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं हर तबके तक पहुंच रही है, विकास की योजनाओं में उन्हें लाभ दिया जा रहा है, उन्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा से संपन्न किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सामाजिक विसंगति और भेदभाव के खिलाफ सरकार के स्तर पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हैं, हमें याद रखना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ बातें कही थी। एक, उन्होंने वंचित और दलित तबके से एक बात कही थी, उन्होंने कहा शिक्षित बनो आगे बढ़ो, यानी शिक्षित बनने का जो भाव था वे जानते थे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असमानता और अराजकता के खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़ना है इसके लिए